क्रिटिक्स का क्रिटिक। मैं तो आजकल कैब ड्राइवर को भी रेटिंग देने से डरने लगा। ऑडियंस की आंखें खोल, उनका टेस्ट अपग्रेड कर। चुप मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और वही दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे कि चुप मूवी ने अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपया कारोबार कर लिया, और साथ ही साथ ये मूवी अपने आज के दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रिस्पांस दिखा रही है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों को बताइए चले कि चुप मूवी, जिस मूवी को 23 सितंबर के दिन सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया, चुप मूवी को ऑडियंस बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस दिखा रही है, और साथ ही साथ सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी को जोरदार और धमाकेदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी हो रही है। इससे पहले आप लोगों को बताया चले कि चुप मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी होने के कारण इस मूवी को अच्छे खासे रिव्यू मिल रहे हैं, और साथ ही साथ इस मूवी में सभी कैरेक्टरों की बहुत ही ज्यादा तारीफ करी जा रही है। वाकई में आर बाल्की ने जो कि इस फिल्म को जोरदार और शानदार तरीके से बनाया है, और वहीं दोस्तों आर बाल्की की फिल्म चुप मूवी का क्रेज बहुत ही जोरदार बना हुआ है। हालांकि इस मूवी ने जो कि अभी तक सारे ऑडियंस का दिल जीत ही लिया है, और वहीं दोस्तों क्रिटिक्स का भी इस मूवी ने दिल जीत लिया है। इस फिल्म में आप लोगों को जो कि पूजा भट्ट नजर आएंगी, बहुत ही लंबे समय के बाद सनी देओल के साथ काम करते हुए नजर आ रही है पूजा भट्ट। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि इसमें सनी देओल जो कि एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसमें दूसरे कैरेक्टर के बारे में, तो आप लोगों को बताइए चले कि इसमें श्रेया धन्वंतरी और वहीं दोस्तों दुलकर सलमान आप लोगों को देखने को मिले हैं। दोस्तों, चुप मूवी जो कि एक बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार मूवी है, इस मूवी में आप लोगों को जो कि बहुत ही जोरदार तरीके से हर एक सीन को बहुत ही परफेक्ट तरीके से दिखाया गया है, और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म में आप लोगों को जो कि रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। हालांकि श्रेया धन्वंतरी और दुलकर सलमान की जोरदार तरीके से केमिस्ट्री दिखाई गई है इस फिल्म में, और अभी दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि इस मूवी के डायलॉग भी बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चुप मूवी के बजट के बारे में, तो आप लोगों को बताइए चले कि चुप मूवी मात्र 10 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है, और यह फिल्म 10 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है, और यह फिल्म को बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से, और वहीं इस फिल्म को पब्लिक रिव्यू भी बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार आ रहे हैं। बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को बताइए चले कि आर बाल्की की फिल्म चुप मूवी ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जोरदार और धमाकेदार तरीके से ओपनिंग ली थी, और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 3 करोड़ रुपया कारोबार किया। दोस्तों, दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन इस फिल्म ने 1,70,00,000 का कारोबार किया, और तीसरे दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपया कारोबार किया बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों, आज इस फिल्म को चौथा दिन है बॉक्स ऑफिस पर, और यह फिल्म अपने चौथे दिन भी जोरदार और धमाकेदार तरीके से ओपनिंग ले रही है, और सारे ऑडियंस का दिल जीत रही है, और चौथे दिन भी हाउसफुल है चुप मूवी को देखने के लिए, ऑडियंस बहुत ही ज्यादा उमड़ चुकी है। आप लोगों को बता दें कि यह फिल्म अपने चौथे दिन कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया कारोबार कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी देखी है, तो आप लोगों को सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ चुप मूवी में आप लोगों को सबसे जोरदार और सबसे धमाकेदार कैरेक्टर किसका लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हमारा और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे अगर आप लोग नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद।